झांसी के समथर थाना क्षेत्र के बसोवई गांव में विगत दिनों कर्ज के तले दबे हुए एक किसान द्वारा सुसाइड का मामला सामने आया था। इसके बाद आज गांव के सैकड़ों लोग मोट तहसील पहुंचे और उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाए कि सुसाइड करने वाला राजकुमार तिवारी कई प्राइवेट बैंक और समूह से फाइनेंस का काम करता था। अपने आप को एजेंट बताते हुए गांव के अधिकतर लोगों के नाम से बैंकों से फाइनेंस करवाकर उनके दस्तावेज अपने पास रखता था। ग्रामीणों ने बताया कि सुसाइड करने के बाद अब कई बैंकों के कर्मचारी उनके घर पहुंचे और बताया कि आपने हमारे बैंक से कर्ज लिया है, जिससे ग्रामीणों के होश उड़ गए और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण अपनी समस्या लेकर उपजिलाधिकारी के समक्ष पहुंचे और पूरी समस्या से अवगत कराया। दर्जनों की संख्या में पहुंची पीड़ित महिलाओं ने रोते बिलखते अपनी आपबीती अधिकारियों को सुनाई। गांव के निवासी मानवेंद्र ने बताया कि राजकुमार तिवारी के सुसाइड के बाद अब कई बैंक और समूह के कर्मचारी गांव में लोगों के घर पहुंचकर उनसे किश्त जमा करने की बात कह रही हैं, जबकि ग्रामीणों को ये तक नहीं पता कि उनके दस्तावेजों पर लोन निकाला गया और वो कर्जदार हैं। मानवेंद्र ने बताया कि गांव के 460 लोग इस धोखाधड़ी का शिकार हुए और लाखों रुपए के कर्जदार बन चुके। गरीब लोग अब पैसा कहां से जमा करेंगे? इसी समस्या को लेकर आज हम सब उपजिलाधिकारी के पास पहुंचे और अपनी समस्या को सुनाया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द मामले के समाधान का आश्वासन दिया है। हमारा नाम मालविंदर सिंह है, हम ग्राम बसोवई से आए हैं। क्या मामला लेकर आए थे? ये समूह के लोन का मामला लेकर आए हैं हम यहाँ पर। हम लोगों में सर पूरे गांव के लोग हैं, करीब 460 लोग हैं सर। इस मामले में एक एक लोन लिया था सर सब लोगों ने। आज उनके नाम पर सर 6-6, 7-7 किसी की 10-10 लोन निकली हुई है। किसके द्वारा निकाले गए, कुछ जानकारी मिल पा रही है? हाँ, ये सर हमारे एक यहाँ के एजेंट थे राजकुमार तिवारी जी बसोवई के, उन्होंने 2 तारीख को अभी आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। उनके पहले उसी से सारा लोन का जो भी लेना देना था, जिसकी जितनी लोन निकली हुई हैं वही जमा करते थे, उन्हीं का लेन देन था सारा है। और जितनी भी बैंकें थी मोट में कम से कम 8-10 फाइनेंस बैंक हैं और चिड़गांव है, पूंछ भी है, भांडर है, यहाँ से भी बैंकों का सारा लेन देन है। लेकिन किसी का कोई उससे मतलब जिसने लोन लिए उसका उनसे कोई लेना देना नहीं था इन बैंकों से। जिसने एक लोन ली थी वो अपनी लोन जमा कर रहा था। अब जानकारी ये हुई कि जब जो ये 2 तारीख को ख़त्म हुई है तो उसी दिन उसके 2 दिन बाद बैंक के कर्मचारी ने आना घर पर परेशान करना शुरू कर दिया। अब जैसे मजदूरी करने जाते हैं घर पर तो कोई रहता नहीं है, और वहाँ से आए पता चला कि फलानी बैंकर आए थे, वो कह रहे थे बोले लोन दो, औरतों को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान अलग कर रहे हैं। मेन समूह तो मेन औरत तो बनाई जाती कोई? हाँ जी, इनकी राजकुमार तिवारी की पत्नी थी समूह की, जैसे एक औरत होती है उसी की तरह इनकी संजू तिवारी थी जो समूह की मुख्य लीडर रहती थी, और उन्हीं के यहाँ सारे लोग जाते थे, उन्हीं के यहाँ सब कुछ होता था, और औरतें ही औरतें जाती थी, आदमी का कोई वहाँ पर लेना देना नहीं होता था। अगर आदमी कोई साथ में जाए तो बोले तुम्हें क्या करना है। अभी कहाँ शिकायत की है आपने? अभी हमने तहसीलदार साहब मोठ में शिकायत की हुई है, SDM साहब के पास आए थे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग उसका न्याय चाहते हैं। माननीय SDM साहब ने और तहसीलदार साहब ने ज्ञापन देने के बाद ये कहा है कि हम उसकी जांच करवाएंगे। आश्वासन दिया है।